हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और टेंथ तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और सेवन्थ और एट्थ का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम माई चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेके आया हूँ मैथ्स क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड का क्लास टेंथ का चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लेके आया हूँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लेके आया हूँ फ्रेंड, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। लीनियर इक्वेशन कमेंट करके बताएं, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आपको समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। क्या नहीं करिएगा? बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, ठीक है ना? कोई चिंते की बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है ना। चलिए अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। x माइनस टू वाई इक्वल जीरो व 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल जीरो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट समांतर है, यानी कि पैरेलल संपाती है, यानी कि कोइंसिडेंट कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 हो तो निकाय a1x प्लस b1 by प्लस c1 इक्वल जीरो व a2x प्लस b2 by प्लस c2 इक्वल जीरो एक अनंत अनेक हल होंगे। क्योंकि ये देखिए, इसका जो आपको प्रसार यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला, तो ये फार्मूला इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का है। किसका है फ्रेंड्स? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। समीकरण निकाय a1x प्लस b1 by प्लस c1 व a2x प्लस बी टू सी टू इक्वल जीरो a1 upon a2, तो ये नो सॉल्यूशन का होगा, है ना? नो सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ मैं, क्या है अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं, x प्लस टू बाई इक्वल फोर में यदि बाई के स्थान पर दो को रख दिए, मान लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई टू इन द एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे पुट करके सॉल्व किया है। जैसे देखिए, एक्स प्लस टू बाई की जगह टू रख दिए, टू जब फोर उधर गया तो फोर में माइनस हो गया, जीरो आ गया, तो जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? अब देखिए, ये इंटरसेक्ट करेंगे ये, आप यहाँ पे एक मिनट मैं रिज्यूम करके आपको दिखाता हूँ। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। हाँ, तो ये रहा ये फार्मूला अध्याय 3 का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, एकदम इंटरसेक्ट भर देता हूँ। चलिए आज इसी में जय हिंद कर देते हैं इसका। कोइंसिडेंट, अगर ये दशम इस तरह का कुछ फार्मूला रहेगा तो ये तीनों बनेंगे, इस तरह का फार्मूला रहेगा तो ये तीनों बनेंगे, और अगर ये रहेगा तो ये तीनों बनेंगे। चलिए सभी की इंग्लिश में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पैरेलल यहाँ सब में रे होगा, ठीक है, सब में रे हो जाएंगे, रे। केवल एक हल यानी कि अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना? अपरिमित रूप से होंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन्फिनाइट। क्या लिखना होगा? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है ना? असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। संगत और आश्रित होंगे यानी कि कंसिस्टेंट और आश्रित होंगे, है ना? दूसरे संगत यानी यही हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलिए फिर से मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस टू बाई इज इक्वल फोर और माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू हो तो x तथा y का मान होगा,
तो 0-2 होगा फ्रेंड्स, सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब चलिए अगली वैल्यू पे मैं चलूँगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मैं थोड़ी जूम कर लेता हूँ इसको, है ना। समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करो कि विधि क्या कहलाती है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी डिवीज़न करते हैं, तो फ्रेंड्स सिंपली वो कौन सी मेथड होता है। फ्रेंड्स सिंपली हुआ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। समीकरण से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। फ्रेंड्स यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगी। यदि रेखाएं संपाती हैं तो निकाय कैसा होगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का होगा। तो युग्म कैसा होगा, यदि रेखाएं समांतर हैं तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलता हूं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मैच द कॉलम में। किसमें आ गए हैं, मैच द कॉलम, ठीक है। पहला है A1 upon A2। तो मैंने अभी अभी आपको पूरे फार्मूला करा दिए हैं, तो ये आपसे बन ही जाने चाहिए। पहला हो जाएगा कंसिस्टेंट, दूसरा ये A1 नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो ये क्या होगा नो सॉल्यूशन वाला, असंगत, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और ये भी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, है ना। रेखाओं के प्रतिच्छेद होने की शर्त लिखिए। तो ये है प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट होने की। इसमें सभी फार्मूले ही हैं, जैसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य लिखने के लिए। तो क्या है, सत्य असत्य में रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण प्राप्त होता है। नहीं, गलत बात है, रैखिक समीकरण में दो प्राप्त होंगे, क्योंकि दो का हम पढ़ रहे हैं। तो समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन कहलाती है हिंदी में कहूँ तो, और इंग्लिश में कहूँ तो एलिमिनेशन कहलाती है। तीन नंबर क्वेश्चन है, निकाय px+4y+8=0 एवं px+y+3=0 का अद्वितीय हल होने पर p≠8 होगा। तो ये बिल्कुल सही है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करा देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं अगर लूँ तो p अपान क्या ले लूँगा, 2 ले लूँगा। लूँगा कि नहीं जल्दी कमेंट करके बताएं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 ले लूँगा, 4/1, और यहाँ पे 8 और 3 ले लूँगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो यहाँ p और यहाँ 4×2=8 जो कि डज नॉट इक्वल है, ओके। क्योंकि यहाँ अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय, तो अद्वितीय हल कैसा बनता है हमारा, ऐसा बनता है। तो क्योंकि यही अनइक्वल हो रहे हैं तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि p के किस मान के लिए समीकरण 4x+p/8, यानी कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलिए सिंपली एजेड मैं ये क्वेश्चन को कर लूँगा। प्रश्न क्रमांक 7, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। चलिए इसकी अंग्रेजी यहाँ पे मैं शॉर्ट देता हूँ, यानी कि लिख देता हूँ कहें तो क्या हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न दर्शा के दूसरे मेथड से करूँगा, तो आप सभी देखते रहें अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे ये पूरा हल यहाँ पे आपका अच्छे से दे दिया गया है MP बोर्ड विमर्श पोर्टल द्वारा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले पेपर करके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि x/y और यहाँ c हो जाएगा कॉन्सेंस। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम A1 ले लेंगे आपका, कि A2 ले लेंगे, क्या A2 क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, बोला करो यार। तो B1 क्या ले लेंगे हम फ्रेंड्स, B1 हम लेंगे 3। B2 क्या लेंगे, के लेंगे। C1 क्या लेंगे, -k -3 ले लेंगे। एंड C2 हम ले लेंगे यहाँ पे -k, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाएगा k-3,
ठीक है। अब चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पहले मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि अनेक हल हैं, यानी ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू इक्वल सी वन अपान सी टू होगा, ठीक है। ए एन ए टू यानी के अपान ट्वेल्व, बी वन बी टू यानी कि थ्री अपान के, सी वन सी टू यानी कि के माइनस थ्री, सी टू क्या है, के है। चलिए इस पहले को हम करके देखेंगे, फर्स्ट केस को, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हम जब सॉल्व किए, जानते हैं हम क्या पाएँ, चलिए देखता हूँ आगे। के स्क्वायर हो गया, ट्वेल्व थ्री जा 36 हो गया, स्क्वायर को उधर भेज दिए, स्क्वायर रूट में 36, ट्वेल्व थ्री जा कितना होता है 36, तो 6 इंटू 6 36 भी होता है, के इज इक्वल टू, के की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब चलिए इस सेकंड केस को हम यहाँ देखेंगे, सेकंड केस क्या हो जाएगा, के थ्री, थ्री इंटू के, थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब चलिए थ्री के से, थ्री के माइनस सॉरी प्लस, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर पे, यहाँ सिक्स के स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए सिंपली जी यहाँ से आपको ये स्क्वायर जो है इधर भेजना पड़ेगा, तो ये सिक्स रूट सिक्स के अपान के, तो जब ये सॉल्व होगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं यही आंसर दिया हुआ है और कहीं कहीं जो है तो आंसर बदला हुआ है, तो क्योंकि की वैल्यू पता लगाना है हमें, तो ये रूट में इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, सी के माइनस के स्क्वायर इक्वल जीरो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब चलिए अगर मैं कहूँ कि सिक्स, इसमें तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, के दोनों में दिख रहा है, तो के कॉमन ले लिए, यहाँ आपका सिक्स आ गया, यहाँ के आ गया, ठीक है, इक्वल जीरो। अब देखिए के को इधर रखा हमने और यहाँ पे एक के जो है तो वन पे आ गया, एक जीरो पे आ गया, तो के यहाँ पे जो होगा तो सिक्स माइनस के, उधर मान लीजिए ये इंटू में है, उधर डिवाइड में गया तो जीरो आ गया, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो सो हमारी ये वाली वैल्यू मानी जाएगी, के की वैल्यू सिक्स आएगी, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न आठ यानी क्वेश्चन एट आ गया है, क्वेश्चन नंबर एट, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म कोई हल, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का कैसे हम फार्मूला लिखते हैं, तो ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू, सी वन अपान सी टू डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो पहला केस में ये निकाल लेंगे एंड सेकंड केस में इतना निकाल लेंगे। चलिए पहले केस में मैं निकाल देता हूँ, यहाँ बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो फ्रेंड जल्दी जल्दी आप देख लें, यहाँ पे बहुत जल्दी ही करके आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। और बी वन की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे वन, बी टू क्या है, बी टू के माइनस वन, सी वन क्या है, सी वन आपका हो जाएगा यहाँ वन, भी कुछ नहीं है, और टू के प्लस वन हो जाएगा सी टू। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, आप बकायदा अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे इंग्लिश में, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले में फर्स्टली वी कैन सॉल्व द फर्स्ट केस इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, थ्री के और यहाँ माइनस में थ्री का इंटू वन के साथ थ्री, यहाँ टू वन जा टू के माइनस वन के साथ वन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ थ्री के से टू के माइनस में, यहाँ माइनस में थ्री था, यहाँ प्लस में आ जाएगा इधर वन इक्वल जीरो, थ्री के में टू के इधर आ गया आपका के, बस यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, टू आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ माइनस में वैल्यू इक्वल जीरो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब चलिए अगला जो है तो मैं करके दिखा दूँ, बी वन और सी वन वाला, तो अब यहाँ लिख देंगे नाउ वी कैन सॉल्व द सेकेंड केस इक्वेशन। तो सेकेंड केस क्या हो जाएगा, ये तो वन के साथ इंटू होगा तो एकदम सेम उतर जाएगा, ये भी वन के साथ होगा तो सेम उतर जाएगा। और देखिए के या के माइनस कर लेते हैं के और यहाँ माइनस वन है, ये प्लस में है, उधर माइनस में गया वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू हो जाएगा, इधर के आ जाएगा, इधर माइनस टू। माइनस वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते, दिस इज़ नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है भैया, तो नॉट वैलिड
वैलिड नहीं है तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, आ सकता है पेपर में 4 अंक के लिए। फ्रेंड जैसा मैं आपको बता दूँ, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं प्रश्न बैंक में आपके 3 चैप्टर में। तो चलिए मैं इसको विलोपन यानी कि क्या होता है मैं आपको पहले ये समझा दूँ, इंग्लिश में इसको इलिमिनेशन कहते हैं। मैं खासकर ये इलिमिनेशन खासकर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को ये करा रहा हूँ, वरना हिंदी वालों के लिए तो सॉल्व ही है। तो चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं जल्दी से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको विलोपन से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको 2 के साथ इंटू कर दूँगा, मल्टीप्लाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके ठीक है, कर दीजिए। 2 3 6x प्लस 2 4 8y इक्वल 2 10 20। अब 3 के साथ ये 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। इसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2y इक्वल 2 के साथ। 4 2 8x यहाँ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, बाई यहाँ 4 2 यहाँ भी 8 आ जाएगा। दोनों को हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस, ये प्लस वैल्यू है, माइनस वैल्यू, माइनस। अगर प्लस करेंगे तो आप, एक चीज़ मैं आपको यहाँ ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आप सोचिए मैं अगर प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू कटेगी कहाँ से, वैल्यू तो कटेगी नहीं क्योंकि यहाँ 8 6 प्लस 8 6 14x हो जाएगा, और यहाँ प्लस, और मैं कहूँ कि माइनस को माइनस कर प्लस करना है, माइनस करना है 8y से, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा, एडिंग यहाँ थर्ड इक्वेशन दे देते हैं इसको, यहाँ फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 6x प्लस 8y इक्वल 20, और यहाँ पे 8x माइनस 8y इक्वल 8। देखिए यहाँ जो है तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ यहाँ ये तो कट गया, यह 14x आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ यहाँ 2 आ जाने वाली है, 42 28, है ना। अब देखिए इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट कर दे दीजिए, माइनस 2y इक्वल 2 2 4 माइनस 2y इक्वल 2, 2y इधर ही रह जाएगा, 2 इधर प्लस इधर माइनस, माइनस 2, y की वैल्यू इधर गई 1, y इक्वल माइनस 1, माइनस 1 ही आएगा, सॉरी यहाँ माइनस की वैल्यू यहाँ उतारेंगे, इस माइनस यहाँ से इस माइनस से माइनस काट देंगे, तो यहाँ सिर्फ 1 बस बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, x प्लस y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। इसको आपको किस विधि से सॉल्व करना है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण x का मान 2 में, अरे तो इसको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन से बोला है। तो चलिए सॉल्व कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यहाँ दे दिया गया है, तो यहाँ मैं कहता हूँ बाई माइन 5 माइनस बाई, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे इस पर पुट कर देता हूँ, 2x की वैल्यू पुट करते हैं, 5 माइनस बाई माइनस 3y इक्वल 4, 2 5 10, 2y माइनस 3y इक्वल 4। अब देखिए 10 इधर रहेगा, उधर चला जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 5y माइनस में क्योंकि बड़ा जो वैल्यू है ये माइनस में है। अब 4 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 रहेगा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, y की जो वैल्यू आएगी वह कैसी आ जाएगी, 6/5 आ जाने वाली है। चलिए अगले कुछ पेज में इसको सॉल्व करता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा y की वैल्यू हमारी 6/5 आ चुकी थी, बस हमें वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन में। तो चलिए मैं वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है और y हमें 6/5 यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। x को हम 5 माइनस 6/5 से माइनस कर देते हैं, यहाँ अपान में 5 है। अब देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 1 5 5 5 5 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 19/5, ठीक है फ्रेंड। इसको थस वस करके आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, थस द वैल्यू ऑफ x इक्वल 19/5 एंड y इज इक्वल 6/5 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली आंसर।
इस तरह आप लिखेंगे एकदम नंबर की बौछार कर देंगे आप, मैं जान रहा हूँ। इस बार आप लोग 100/100 पाके ही रहेंगे। तो चलिए 11th क्वेश्चन है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल करो एवं m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y = mx + 3 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाक से इसको। 2x + 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 4y = -24 सेकंड इक्वेशन। देखिए इसमें जो है यह एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए x यहाँ रखे, ये 3y प्लस में उधर माइनस में चला गया, 11 - 3y यहाँ पे ये इंटू में है डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम देंगे। इस वैल्यू को हम एक कोष्टक में डाल देंगे अच्छा दिखाने के लिए, मतलब कि यह x की वैल्यू है पता चले टीचर को। चलिए अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो 2x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा, कर दिया गया पुट, 2 से 2 कट जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 7y आ जाएगा क्योंकि ये इसका साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -24 को -11 करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 × 5 = 2 + 3 = 35 आ गया। -y अपान में 7 चला गया, 7 × 5 = 35 आ जाएगा यहाँ पे। और y की जो यहाँ माइनस की वैल्यू, यहाँ माइनस कट जाएगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पे मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड y की वैल्यू 5 आ गई थी हमारी, अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए पुट कर देता हूँ वैल्यू पटाक से और निकाल लेता हूँ। तो x इज इक्वल 2 × 5 - 12 - 10 - 12 - 2 एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -2। अब चलिए y = mx + 3 ये था। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, y जो है हमारा 5 है, mx - 2m हो जाएगा +3। अब ये +3 को इधर माइनस कर देंगे, माइनस में आ जाएगा और इधर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ -2m, ये 2 यहाँ -2 जाएगा, m इक्वल में रहेगा, ये से ये कट गया, -1 इसका m की वैल्यू आ गई, ठीक है, थस करके आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं सबको तो सॉल्व नहीं करा सकता, इसलिए कुछ को आप समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं ज़रूर समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, 13th नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ओके। आंसर आप देख सकते हैं क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ भी तो है नहीं इसमें खास, मैंने देखा नहीं है, आपसे सब कुछ बन जाने वाला है मेरे अंदाज से, है ना। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका साइज का, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर क्लिप फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से। 17 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वर्ड अभी तक क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके वर्ड वाले क्वेश्चन यानी कि लिखकर जैसे भिन्न वगैरह, तो एक ही क्वेश्चन अभी दिया गया है, तो आप इसको मतलब रट लें एक तरह से, मैं ये कहूँगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है इसको। तो मैं इसको सॉल्व कराना चाहूँगा आपको, x = 2 - 15 - y / 7 इस पर पुट कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 15 / 7 + 2y = 3। चलिए सॉल्व करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ 1 है, 1 × 7 = 7 हो जाएगा, 2 + 15 / प्लस यहाँ 2 × 7 = 7 तो 7 × 14 = 3। तो यहाँ 15 / 14 = 4, 5, 9 आ जाएगा यहाँ पे बाई, 1 × 1 = 2, 29 आ जाएगा, और यहाँ क्या आने वाला है 2 फ्रेंड्स, अपान में 7 इधर 3, ये इधर गया 21 हो जाएगा, 2 + 29 / ठीक है, ये 2 गया उधर, 29 / आया इधर, 21 में 2 गया 19 आ गया, 29 /
29 by इक्वल 19 अपॉन 29। y की तो वैल्यू आ गई। चलिए अब x की भी वैल्यू जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो मैं पुट कर दूँगा वैल्यू इक्वेशन पे। चलिए पुट कर दिया 7x। तो मैं ये 19 अपॉन 29 प्लस 2 बाई सॉरी y की वैल्यू आई थी तो x प्लस 2 बाई यानी 19 अपॉन 29 इक्वल 3। 19 टू जो 38 अपॉन 29 एक्स प्लस में इक्वल 3। एक्स 3 माइनस 38 अपॉन 29 तो यहाँ 29। अब 29 इंटू 3 चलिए कर लेता हूँ। 39 जा 27 टू कैरी 32 जो 6 और 2 8 87 माइनस 38 अपॉन में 29 7 में 8 तो 17 में 8 जाएगा फ्रेंड 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 में 3 तो ये 7 बन गया था 7 3 4 अपॉन 29 तो इस x की वैल्यू 49 अपॉन 29 आ गई फ्रेंड जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। चलिए यहाँ से चैप्टर जो है तो एंड भी हो चुका है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट पढ़ाई में फास्ट के साथ।